तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजीएडवाइस की एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन की जो स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है उसे मिनिमम लेवल से भी कम कैसे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे मोबाइल फोन में एक ब्राइटनेस बार होती है जिसकी मदद से हम अपने फोन की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे तो उस ब्राइटनेस बार का लेवल जो है वो सही होता है, जैसे कि अगर हम सूरज के सामने या किसी बाहर कहीं हुए जहाँ पे सूरज की जो लाइट है सीधा हमारे फोन हमारे ऊपर पड़ रही है, फोन के स्क्रीन पे पड़ रही है, तो ऐसे में अगर हम उस ब्राइटनेस बार को फुल कर देंगे तो हमें जो हमारे फोन के अंदर जो कंटेंट है वो दिखते लग जाते हैं। अगर हम कम कर देंगे वो तो नहीं दिखेंगे। ऐसे में दोस्तों वो बार जो है वो सही है। अगर हम आ जाते हैं हमारे घर में तो हम उस बार को जो दोस्तों कम कर देते हैं, और कम करते करते दोस्तों हम इतना कम कर सकते हैं कि वो हमें मान लो उसकी लाइट जो हमारी आंखों को इफेक्ट ना करे। लेकिन प्रॉब्लम आती है दोस्तों रात को, कि रात को जैसे कि आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ करके अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे दोस्तों आपका जो मिनिमम लेवल होता है ब्राइटनेस का वो भी आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये पता होगा कि दोस्तों जब आप रात को लाइट्स बंद करके अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं मिनिमम ब्राइटनेस पे, तो भी दोस्तों आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता होगा। मेरी इतना जैसे भी मैं भी कई बार यूज करता हूँ तो मेरी भी आंखों में दर्द होने लग जाता है। तो वो इसलिए होता है कि हमारे फोन की ब्राइटनेस लेवल इतना ज्यादा मिनिमम नहीं है कि उसे हम इतना मिनिमम कर सकें कि रात के टाइम वो हमारी आंखों को इफेक्ट ना करे। तो आज के स्टूडियो में दोस्तों मैं यही बताने वाला हूँ कि एक ऐसे ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप जो मिनिमम लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो मिनिमम लेवल 0 है तो आप माइनस में जा सकते हैं ब्राइटनेस के। तो वो किस तरह से करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐप लिंक या वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन के लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप कुछ इस तरह के पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ देख ये मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी और ये जो नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 12 सेकंड की वेट करनी है। 12 सेकंड के बाद यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे प्लीज़ वेट, यहाँ पे आपको जो लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो आपको 12 सेकंड वेट कर लेनी है। जैसे 12 सेकंड जो है वो पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए गेट लिंक का ऑप्शन आ गया, आपको इस गेट लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप तो दोस्तों कुछ इस तरह के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड एपीके पे क्लिक करने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड जो है वो कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन के सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको चले जाना अपने फ़ोन के सेटिंग्स में और यहाँ पर टाइप कर देना है USAGESS। यहाँ पर देखिए यूजर एसेस आ चुका है, तो यहाँ पे आपको यूजर एसेस पे क्लिक कर देना है। यूजर एसेस पे जाने के बाद दोस्तों आपको लक्स लाइट जो है वो सर्च कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में कम ऐप्स हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है लक्स लाइट। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आपको अलाउ यूजर एसेस पे इनेबल इसे कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है अपने होम स्क्रीन पे। और अब जब दोस्तों आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो ब्राइटनेस बार है वो आ चुकी है। यहाँ पे आपको जो हमारी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल कम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमारे जो स्क्रीन का जो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट ब्राइटनेस है वो इतनी है, इससे ज़्यादा कम जो है हम नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको इस बार से कम जो है वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप -6% -17-18 यहाँ पर आप माइनस में जा सकते हैं -100% तक। तो यहाँ पे आप देखिए दिखना बंद हो चुका है। तो जैसे हम इनेबल कर देंगे तो इस तरह से, तो अगर रात को आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से यूज़ करके आप जो ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपने अपने ब्राइटनेस जो है वो सेट कर ली तो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर कहीं भी स्क्रीन पर टच कर देना तो ये बार जो है वो डिसेबल हो जाएगा, यानी ये जो छिप जाएगा। अगर आपको दोबारा से ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना तो आपको अपना ऊपर से नोटिफिकेशन बार को नीचे लाना है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये बार जो वापस से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं यूजिंग प्रोफाइल, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ नाइट,
तो नाइट के हिसाब से हमें कितने जो ब्राइटनेस रखनी चाहिए वो डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगी। वैसे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कार चला रहे हैं, आप सिनेमा में हैं, तो अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस बार की मदद से आप कम ज़्यादा कर लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद स्क्रीन पे कहीं भी टैप करिए और अपना फ़ोन मज़े से चलाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से बेल आइकन पर दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।